ब्रह्म ऋषि पत्री जी के जन्म दिवस पर आज हम आनंद का उत्सव मना रहे हैं, और आज इस आनंद ने दुगुना करण खातर हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जो क्रिकेट जगत की शान है, भारत का अभिमान है, हरियाणा का मान है। उन्होंने क्रिकेट जगत में चौंका देने वाले ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जिससे पूरी दुनिया उनका नाम अपनी जुबान पर लेन खातर मजबूर हो गई। जब उनका बल्ला चल रहा है तो पूरा स्टेडियम हल है। खाली एक दो रन बनावन की नहीं होती बात, यार तो चौको छक्कों की होवे से बरसात। जब वो स्टेडियम में आवे है विरोधी टीम में खलबली मच जावे है। बॉलर्स में हो जैसे भागम भाग, नाम से उनका वीरेंद्र सहवाग। सहवाग जी ने टीम इंडिया के लिए खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और वनडे क्रिकेट में 2 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज है। और तो और पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाने का बेहतरीन रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। हम आजकल के आईपीएल जैसे पूरे टूर्नामेंट को उनके एक बैटिंग में देख लेते थे। सहवाग भले ही दिल्ली में पले बड़े हैं, पर हरियाणा से उनका अलग ही रिश्ता है। इनके चौका छक्का की गूंज तो हम सब ने सुनी है, ये सौभाग्य मिला है उनके कुछ बॉल सुनने का। तो मैं इनवाइट करता हूँ नजफगढ़ के नवाब, मुल्तान के सुल्तान, वीरू नाम से प्रसिद्ध वीरेंद्र सहवाग जी को। सहवाग जी, आपका स्वागत है पीएमसी हरियाणवी के इस मंच पर। कृपया आइए और हमें अपना संदेश दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्री सर, बहुत बहुत नमस्कार, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बड़ा नाम सुना था लेकिन आज जय दर्शन भी हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आपके जन्मदिन पर मुझे कुछ दो शब्द कहने का मौका मिला है। मेडिटेशन बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि मैंने खुद बहुत बार की है, अभी भी करता हूँ। खास तौर से नौजवान युवाओं के लिए जीवन में फोकस और मन में क्लैरिटी लाने में बहुत मददगार है। मैं अपना ये किस्सा सुनाता हूँ। 2006-07 में जब मैं टीम से ड्रॉप था तो बड़ा निराश था, तो उस समय मैंने पहली बार मेडिटेशन शुरू किया था करना। तो मेरे मन में एक क्लैरिटी आई कि भाई जो मिला जितना मिला उससे खुश रहो और अपनी मेडिटेशन करते रहो ताकि आपको शांति मिलती रहे। खासकर आजकल के जो तनाव भरे जीवन में मेडिटेशन अपनाना बहुत जरूरी हो गया है, मन को शांत रखने के लिए और अपने काम को एकाग्रता से करने के में बहुत मदद करती है मेडिटेशन। बहुत सारा लोगों के मन में नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स घूमते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हो, भले चाहे शुरुआत 1 मिनट से ही क्यों ना करो, अगर आप करते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है अपने थॉट्स में, आपको मन की शांति मिलती है। आप प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कैसे अपनी जिंदगी जीनी है, आगे क्या क्या करना है। तो मुझे तो बड़ी मदद मिली मेडिटेशन से। थैंक यू पत्री सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थैंक यू संगीता मैडम मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं पत्री सर के जन्मदिन पर कुछ दो शब्द कह सकूं, और उनके दर्शन हो गए बस मैं उसी में खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूजा, तुम कुछ सम अप करोगी। और पत्री सर, सहवाग सर, मतलब जब क्रिकेट चलता है ना तो वो कुछ किसी को मतलब कहते हैं हट जाओ आगे से, बस मेरे को क्रिकेट देखने दो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और क्रिकेट की बातें करते करते सहजता से हमें पूरे जीवन की बातें समझा देते हैं कि जब छक्का लगता है और जब आउट होते हैं तो ये हमारा जीवन का जो प्लेटफॉर्म है, ये हम एज ए एक एक्टर के रोल में हम प्ले करते हैं अपने जीवन को, और हमें बहुत ही जागरूकता के साथ हमें अपना जीवन प्ले करना चाहिए। पर सर, आप कुछ कहिए प्लीज। मैडम जी, आज तो मेरा दिन बन गया। मैं क्रिकेट का फैन हूं और सहवाग जी तो इज द नवाब ऑफ क्रिकेट, तो आज मुझे ऐसा मौका मिला है। इट्स ए वेरी ग्रेट बर्थडे गिफ्ट फॉर मी, यू हैव अरेंज्ड फॉर इट। सहवाग जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वेरी हैप्पी टू हियर यू एंड सी यू हियर। आई एम प्राइमरली ए क्रिकेट फैन, ए क्रिकेट प्लेयर। बचपन में जी बहुत सर, खेला करता था, एंड ऑल दिस रिसेंट आईपीएल मैचेस आई हैव वॉच्ड टोटली ऑल द मैचेस। थैंक यू सर। क्रिकेट इज सो वेरी डियर टू मी। यू नो, इन क्रिकेट यू लर्न मेनी थिंग्स,
You learn to cooperate with other players. It's a team effort. It's a group consciousness. Yes. So you have to flow with everybody. You have to give credit to everybody. You have to cooperate with everybody. So all these qualities are developed in cricket. I developed all those qualities. Cricket was my first passion and remains to be my great passion. Until yesterday also I saw the whole Bombay-Delhi match. आप दिल्ली में नहीं है बस उसी है इसीलिए हार गए वो नहीं 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 सर और आफ्टर क्रिकेट माय ग्रेट पैशन इज म्यूजिक सो आई वेंट टू द म्यूजिक वर्ल्ड आई लर्न फ्रॉम ग्रेट मास्टर्स बट आफ्टर क्रिकेट एंड म्यूजिक स्टिल आई वाज माय सोल वाज नॉट सैटिस्फाइड समथिंग वाज देयर मिसिंग इन माय लाइफ मैं जो सोच रहा था जो पाने के लिए तरस रहा था वो नहीं मिला था क्रिकेट के बावजूद और संगीत के बावजूद परंतु जैसे ही ध्यान मिला है बस मेरी जिंदगी बन गई दैट वाज माय फाइनल डेस्टिनेशन सो फ्रॉम क्रिकेट आई जंप्ड इनटू म्यूजिक फ्रॉम म्यूजिक आई जंप्ड इनटू मेडिटेशन स्वामी जी आई एम वेरी हैप्पी टू गिव दिस रिपोर्ट टू यू मैं चाहता हूँ द होल क्रिकेट वर्ल्ड विल बिकम मेडिटेशन वर्ल्ड एंड I've been waiting for this kind of meeting from somebody in the cricket world. And today, after 73 years of this body, I have met a great master like Sehwag ji. I've been waiting for this kind of a day for all the 73 years where I can speak to some great cricket master. And thank you, Sangeeta ji, for enabling my dream. And meditation is must for every player, every sports person. Meditation is a must for every musician. Meditation is a must for every housewife. Meditation is a must for every farmer. Meditation is must for every prime minister. Meditation is must for every bus driver. Meditation is a must for every student, every teacher. It is essential for everybody. सभी के लिए चाहिए ध्यान. ध्यान के होते हम एकाग्रता को आगे बढ़ाते हैं योग कर्मसु कौशलम कहा गया है भगवद गीता में आप जैसे ही ध्यान को अपनाते हैं आप और कुशल बन जाते हैं इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ यू बिकम मोर एफिशिएंट तो संगीता जी आई वाज ओवरवेल्म्ड बाय व्हेन आई हर्ड नेहरा जी सिंगिंग टुडे मॉर्निंग क्या बात है Nehra sahab, I was singing. I was clean bowled by him. My middle stump was uploaded by Nehra ji. He bowled a googly on me, Swami ji. All my meditation teachings are always in the language of cricket. Cricket is so much in my blood. Thank you, Sehwag ji. Thank you, sir. And wish you a very happy birthday once again. I hope you will have a very good day. Swamiji, you must come to Bangalore to visit our valley. Yes, sir. Someday. I will, sir. I will. Whenever I'm visiting Bangalore, I will definitely come, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. So now I'm leaving because I have a flight to catch. So thank you so much giving me so much time. Thank you, sir. तालियां बजाएंगे जी पूजा जी बहुत-बहुत धन्यवाद सहवाग सर आपका और हैप्पी बर्थडे पत्री जी और जो आपने संदेश दिया सहवाग जी की यूथ को भी मेडिटेशन करनी चाहिए तो इससे हम सब बहुत इंस्पायर हुए हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे आपने हरियाणा से इतना आगे जाके नाम रोशन किया है तो हम भी वैसे मेडिटेशन करके और सबका नाम रोशन करें आगे हरियाणा से हम सब यूथ निकले तो बहुत बहुत शुक्रिया सहवाग जी आपका राम राम आपने थैंक यू राम 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 थैंक यू बाय बाय अब हम नेक्स्ट हमारे साथ अंकुश बैन जी भी जुड़े हुए हैं तो पूजा प्लीज आप उनको इनवाइट करिए अंकुश जी से जब बात हुई पत्री सर तो yes. उन्होंने एकदम से सहमति दे दी एंड ही सो हम्बल एंड मोहित राणा सर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उन्होंने अंकुश जी के बारे में बताया कि ही सो हम्बल सो हार्ड वर्कर एंड सो सिंसियर
तो तुरंत हमने जब बात की अंकुश जी से, तो तुरंत उन्होंने कहा कि यस मैं डेफिनेटली आऊंगा और मैं जरूर से जरूर मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा, और फिर आपके बारे में डिटेल भेजा। तो उन्होंने बहुत सहमति से कहा कि मैं, और ये 9 बजे से जुड़े हुए हैं सर। तो अंकुश बहन जी आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे पत्री सर, आपकी आपकी वजह से ही आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि आपने बताया कि क्रिकेट से आपको कितना लगाव है, उतना ही लगाव मेरे को है। मैं जब भी क्रिकेट मैच देखती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, चाय कॉफी पॉपकॉर्न लेके बैठ के क्रिकेट मैच देखना होता है। और साथ साथ आपके ही संदेश से मुझे अब ये समझ में आया, पहले तो मैं क्रिकेट खेलती थी तो मुझे ऐसा था कि इंजॉयमेंट के लिए खेल लिया, लेकिन जब सार समझ में आया कि पूरे हमारी पूरी लाइफ का लाइफ हम देख सकते हैं सिर्फ एक क्रिकेट मैच में। जब हम क्रिकेट मैच शुरू करते हैं, जब एक क्रिकेटर का पहला क्रिकेट मैच होता है, ऐसे ही हम लाइफ में बर्थ लेते हैं। फिर टॉस होती है जो आपके पक्ष में गिर सकती है और नहीं भी गिर सकती। तो मतलब कि आपकी फैमिली और सोसाइटी आपको सपोर्ट करे ना करे, उसके बाद आपकी इनिंग शुरू होती है जिसमें इमोशंस, इंटेंशन कि कैसे इंटेंशन के साथ आप खेल रहे हो, कितनी खुशी से खेल रहे हो, और फिर अगर आप 6 मारते हो और गलती से आउट हो जाते हो, बस वही गेम खत्म हो जाता है। और फिर हम जब मैच खत्म होता है तब हम अपने आप को समझते हैं कि हमें क्या चीज इम्प्रूव करनी है। और ऐसे ही हम जब लाइफ खत्म होती है तभी भी उसके बाद भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइफ कैसे चूज करनी है। ये सब कुछ आपके ही संदेशों के से हमें समझ में आया है। और इस लाइफ को समझने के लिए क्रिकेटर से बेहतर कौन हो सकता है। तो आज मैं एक क्रिकेटर अंकुश बैन सर को इनवाइट करना चाहूंगी जो कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के साथ खेलते हैं, और इसके साथ ही साथ आईपीएल टीम, आईपीएल फेवरेट गेम, उसमें भी वो पार्ट लेते हैं, चेन्नई सुपर किंग के साथ वो खेले हैं। और यही नहीं, वो एक चीज एज अ यूथ हमें इंस्पायर करते हैं कि कैसे हमें सिर्फ, अगर बैट्समैन है हम तो सिर्फ बैट्समैन ही नहीं, वो एज अ फील्डर और एज अ विकेट कीपर कितने अच्छे से उन्होंने पूरी टीम में कंट्रीब्यूट किया, वो हमें सिखाते हैं कि एक से ज्यादा चीजों में हमारे गुडविल होनी चाहिए और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी। तो आई इनवाइट अंकुश बैन सर कि आप आए और हमारे साथ अपनी जर्नी साझा करें। थैंक यू मैम एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द पत्री सर। आज आपसे मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आगे लाइफ में जरूर चाहूंगा कि मैं आपसे मिलूं आगे चल के भी। मेरे को संगीता मैम ने ये मौका दिया, तो अगर फ्यूचर में अगर कुछ होता है, मेरे को मौका मिलता है आपसे मिलने का, तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य होगा। तो सर मैं थोड़ी सी अपनी मतलब की जर्नी वगैरह मतलब की अपना बताना चाहता हूँ कि मेरे को क्रिकेट में मेडिटेशन में कहाँ कहाँ हेल्प मिला है। मेडिटेशन माइंडफुल ब्रीथिंग बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, और जिसमें हमें बस अपने सांस को इनहेल एक्सहेल करने में बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है बस, और हमें उसके लिए कंट्रोल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और हमें कहाँ कहाँ से वो है, और हमें बस ये सिर्फ 1 मिनट के लिए करने से, हम जब शुरुआत करेंगे तो 1 मिनट से करने से हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसमें कहाँ कहाँ हमें, जैसे आज की डेट में हर किसी को डिप्रेशन वगैरह रहता है तो उसमें हमें बहुत हेल्प करता है, हर किसी के ब्लड फ्लो में बहुत हेल्प करता है, हर किसी के एनर्जी में मतलब कि हम जब खेलते हैं स्पोर्ट्स में एनर्जी वगैरह में हमें अलग सी एक वो हैप्पीनेस वगैरह मिलती है, एनर्जी मिलती है, बॉडी कंट्रोल को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और रात को सोने में बहुत हेल्प करता है ये चीज़। तो हम जितना अपने आप को इस चीज़ में फोकस करें, और हम ज़रूरी नहीं है ये चीज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम ऑफिस में हैं, ग्राउंड में हैं, घर में हैं, और कहीं पर भी हम सिर्फ अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करें तो बहुत अच्छा है। कि लाइक मेरे को ये चीज़ खेलते हुए इसलिए हेल्प करती है क्योंकि हमारे क्या है कि अगर एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो अगले में कैसा करना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, और ये मुझे एक तरह की खुशी देता है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मैं धीरे धीरे मतलब कि जैसे कि हम अपना हर रोज का मेरा रूटीन है ये सुबह उठ के करना है कि मैं आज की डेट में आराम से 10 मिनट तक पूरा फोकस करता हूँ अपनी सांस के ऊपर ही बेसिकली, और उससे मुझे वो चीज़ करने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है अपने आप को। और मुझे ये चीज़ करने से मतलब कि मेरे को पावरफुल मतलब कि मैं अपने आप को मतलब कि बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स और बहुत अच्छी खुशी मिलती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई अगर ये अपने डेली रूटीन में करे
तो मेरे को लगता है कि इससे हम अपने आगे के फ्यूचर के लिए और जो हम प्रेजेंट एक चीज पे फोकस करना चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा हेल्प मिल सकती है। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि ये चीज हर कोई करे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। यस सर, हर एक को ध्यान चाहिए। हाँ जी सर, बच्चा हो बच्ची हो, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, पंडित हो, हर एक के लिए चाहिए हर दिन की अभ्यास, हर दिन की शक्ति जो ध्यान से मिलती है। और एक ही एक ध्यान विधान है, नाम है श्वासानुसंधान। अपने सांसों के साथ एक हो जावे, कोई मंत्र वंत्र नहीं, ना राम है ना कृष्ण है, केवल हम हैं और अपना सांस है। सांसों के साथ रहें, सांस के पुत्र बने, पवन पुत्र बने, तो हम भी बजरंग बली बने और बैठ को बल्ला को घुमावे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल टू हियर ऑल क्रिकेटर्स टुडे, वेरी स्पेशल टू मी। यस मोनिका जी, यू स्पोक वेरी ब्यूटिफुली। अंकुश, हैप्पी बर्थडे पत्री सर पहले तो, और अंकुश सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने तो एक मिनट में सब कुछ ही बता दिया, ध्यान के सारे फायदे कि हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, और आप इतने सक्सेसफुल हैं तो इसके पीछे कोई ना कहीं ध्यान भी चल रहा होगा आई गेस, मेडिटेशन करना, तो आप हमें इंस्पिरेशन मिली है कि हाँ अगर हमें सक्सेसफुल। अच्छा लगा सर, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है आपको सुन के देख के कि हाँ इतने भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं और इसको इसका प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत खुशी हुई आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुश सर। थैंक यू मैम।